नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए शानदार वीडियो में। दोस्तों यार, शासन की काफ़ी ऐसी योजनाएं आती है, गवर्नमेंट की ऐसी काफ़ी योजनाएं आती है जिनके बारे में अगर आपको मालूम होता है तो यार आप घर बैठे बिना कुछ काम करे भी अर्निंग कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। ऐसे में यार गवर्नमेंट की इन स्कीमों के बारे में हमें समय समय पर पता होना चाहिए। अभी हाल ही में गवर्नमेंट की एक बहुत बढ़िया स्कीम है यार, जिसका नाम है ई श्रम कार्ड स्कीम। ई श्रम कार्ड स्कीम के बारे में आपने जाना अनजाने में नाम सुना होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ई श्रम कार्ड से कैसे यार गवर्नमेंट की इस स्कीम की हेल्प से आप पर मंथ की कमाई कर सकते हैं, वो भी बिना कुछ काम करे। साथ ही आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना भी सिखाऊंगा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आपका ई श्रम कार्ड गलत या कैंसिल हो सकता है, वो भी आपको कौन कौन से सावधानियाँ बरतनी चाहिए अपना ई श्रम कार्ड बनवाते टाइम, तो सब चीज़ें हम कम्प्लीटली डिटेल समझेंगे। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना इस टाइप के वीडियो पाने के लिए। दोस्तों ई श्रम कार्ड के बारे में बेसिक डिटेल बताओ तो यहाँ गवर्नमेंट की मोदी सरकार की एक बेहतरीन स्कीम है जो कि केंद्र सरकार के अधीन है। इसमें आपको पर मंथ 500 से लेके 1000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, जो कि डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। और बेसिकली ये असंगठित मजदूरों या फिर कारीगरों या फिर काम करने वाले लोगों के लिए है। ये असंगठित क्या होता है तो असंगठित उसे कहते हैं जो कि किसी संगठन के अधीन काम नहीं करते, ना ही वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, ना ही किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। मतलब असंगठित जैसे कि ठेला लगाने, फेरी लगाने वाला, फुटपाथ पर बैठकर कुछ सामान बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, या फिर दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, या फिर इस टाइप के जो भी यार दूसरे काम करते हैं, मेला ढोने वाला, इस टाइप के जो भी काम करते हैं उन्हें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर कहा जाता है। तो ये स्कीम बेसिकली उन्हीं के लिए है। लेकिन अगर आप भी यार इस फील्ड से बिलोंग करते हैं और आप थोड़ा सा यार अलग टाइप का काम करते हैं तब भी आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट आपसे कुछ प्रूफ नहीं मांग रही है कि यार कौन लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, कोई भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ में इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि आपका ई श्रम कार्ड आप जब अप्लाई करते हो तो कैंसिल ना हो, इसका ध्यान रखना है। तो बहुत बढ़िया स्कीम है। साथ ही आपको जो पर मंथ इनकम मिलती है वो अलग, इसके अलावा आपको यार 2 लाख रुपये का बीमा होता है इसमें। इसके अलावा अगर आप कुछ भी काम करते हैं जैसे कि मकान बना रहे हैं या तो कोई सा बिजनेस या व्यापार करने की सोच रहे हैं तो गवर्नमेंट का जो श्रम विभाग है वहाँ से भी आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि सपोज आप अगर मकान बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ स्कीम का फ़ायदा मिल जाता है डायरेक्ट इस श्रम कार्ड के माध्यम से, तो आपको कुछ राहत राशि मिल जाती है अपना मकान बनाने के लिए। इसके अलावा बिजनेस करने के लिए आपको आसानी से लोन मिल जाता है, आसानी से कोई सी भी स्कीम जहाँ पर सब्सिडी होती है उसका बेनिफिट मिल जाता है। और इससे रिलेटेड और भी काफ़ी बेनिफिट होता है ई श्रम कार्ड का। तो ये सब चीज़ें हैं ई श्रम कार्ड की। अब मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे कहीं पर भी जाने की ज़रूरत ना होते हुए भी आप इसके लिए एलिजिबल कैसे हो सकते हैं, कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल क्रोम में आ जाना है, जहाँ से आप कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पर। तो सबसे पहले गूगल पर आपको सर्च करना है ई श्रम कार्ड। जैसे आप ई श्रम कार्ड सर्च करते हैं तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट आती है गवर्नमेंट की, eshram.government.in, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन इन टोटली फ्री रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम कार्ड। आपको सिंपली इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी मेंबर है तो अपडेट कुछ करना है आपको अपने कार्ड में तो अपडेशन भी यहाँ से कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपके सामने साइट से जो रिक्वायरमेंट रहेगी डॉक्यूमेंट की, इंफॉर्मेशन की, वो दी हुई है। यानी कि आपके पास आधार नंबर होना चाहिए, आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, आपके पास एक बैंक अकाउंट डिटेल होनी चाहिए और आपकी एज 16 से 59 ईयर की होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले आपको आधार लिंक मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है, जो आपका मोबाइल नंबर जो आधार में लिंक है। और सिंपली यहाँ पर आपको जो कैप्चा दे रखा है इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको लिखा आ रहा है एम्प्लॉयज प्रोवाइड फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप EPFO के मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर आप इसके मेंबर है तो यस और नो लिखना है। तो बेसिकली अगर आप इसके मेंबर है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं पहली बात।
लिखा है ना यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन EPFO और ESIC, तो इसलिए आपको दोनों में ही नो कर देना है। वैसे भी हम इसके मेंबर नहीं है, अगर आप एक स्टूडेंट है तब भी इस स्कीम के लिए बेनिफिट उठा सकते हैं इस स्कीम का, ठीक है, स्टूडेंट के लिए भी बेहतरीन है। सेंड OTP पर क्लिक करना है। अब आपने जो ये नंबर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड दिए है इसके ऊपर एक OTP आया हुआ है, तो OTP नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। सिंपली थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर आपको OTP सक्सेस होने के बाद आधार नंबर डालना है, के बाद यहाँ पर एग्री पर क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपके अलावा उस पर एक OTP गया है, वो OTP यहाँ पर आपको फिर से एंटर कर देना है दोबारा से। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो आपके सामने कुछ डिटेल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप हो चुका है गई है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और है जो एक एक करके हम पूरे करने वाले हैं, तो मैं अदर डिटेल जो कि और भी है वो चीजें हम कर लेते हैं। आप देखोगे एक ग्रीन हो चुका है, मतलब एक इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। इसके अलावा स्टार्टिंग में इमरजेंसी मोबाइल नंबर यहाँ पर एक और डाल देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद इस तरह की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डाल देना है। कैटेगरी के बाद आपको जो सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट वो अपलोड करना है। आप अगर उसको नहीं भी अपलोड करना चाहे तो चल सकता है, लेकिन कैसे अपलोड करना है वो मैं सिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल आएगी कि यानी कि आपके कुछ आपको हो जाता है भगवान ने चाहे तो उसके बाद आपका पैसा किसको मिले, नॉमिनी कौन है, तो उसका नाम डालना है। अभी मैं आपको अपलोड करना सिखाता हूँ डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल फोन से इसको कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट और एक आपकी क्वालिफिकेशन जो भी हो, ग्रेजुएशन हो 10वीं 12वीं या 8वीं जो भी पास है आप, या नहीं भी है तो चलेगा, तो उसका जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करके रख लेना है। स्कैन के लिए आप किसी भी दुकान पर जा सकते हैं, वो आपको स्कैन करके दे देगा आपके मोबाइल फोन में, उसके प्रिंटर से वो स्कैन कर देगा। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप स्वयं स्कैन कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने प्रिंटर को कनेक्ट कर लेना है अपने लैपटॉप से या फिर मोबाइल फोन से। उसके बाद कनेक्ट करने के बाद आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट कॉपी है उसको आपको प्रिंटर में लगा देना है, जैसे फोटोकॉपी करते हैं उस टाइप से रख लेना है। रखने के बाद आपको अपने लैपटॉप में स्टार्ट बटन पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्कैन। जैसे आप स्कैन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो भी आपका प्रिंटर है उसका नाम आ जाएगा। जैसे मेरे पास एप्सन है तो मैं एप्सन सिलेक्ट कर लेता हूँ, एप्सन स्कैन 2। इस टाइप से आप अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो स्कैन कर लीजिए। उसके बाद आपके पास जो भी प्रिंटर है उसकी पूरी डिटेल आपके सामने इस टाइप से आ जाएगी, जैसे कि मैं दिखाता हूँ इस टाइप से। तो आपको वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो प्रिंटर है उसको सिलेक्ट करने के बाद आते हैं तो सिंपली यहाँ पर स्कैन पर क्लिक करना है। स्कैन पर ये क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको थोड़ा सा वेट करना है या स्कैन हो रहा है, जैसे स्कैन हो जाता है आपके सामने फाइल आ जाएगी, उसको आपको सिंपली सेव कर देना है। यहाँ से नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद सेव का ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर उसका नाम डाल देना है, जैसे ये 10th की अंक सूची है इसको 10th डाल देना है। यहाँ से आप फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यही रहने देते हैं और सिंपली सेव कर देते हैं। ये डॉक्यूमेंट हमारा सिंपली सेव हो चुका है। तो सिंपली आपको जहाँ फाइल सेव है वहाँ पर फाइल चूज कर लेना है। अगर फाइल आपकी नहीं मिलती है तो यहाँ से ऑल फाइल सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये आपकी फाइल आ चुकी है, ये हमारे डॉक्यूमेंट, ये हमने अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर लिखा रहा है फाइल साइज शुड बी लेस देन 1 MB, 1 MB से ज्यादा आपकी फाइल का साइज नहीं होना चाहिए। ये हमारा साइज बड़ा है तो अभी हम इसे छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1.19 है और इसकी फाइल साइज 2.2 MB है, तो अब इसे हम छोटी करते हैं। तो इसके लिए गूगल पर आपको आना है, यहाँ तो यहाँ से आपको JPG वाली फाइल वाली वेबसाइट खोल लेना है। यहाँ पर से सिंपली फाइल को चूज कर लेना है, जिस भी फाइल को आप यहाँ पर डालना चाहते हैं उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको आना है और यहाँ पर आपकी फाइल का जो साइज है वो स्मॉलेस्ट फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। तो फाइल चूज कर लेते हैं, फाइल चूज करने के बाद यहाँ से सिंपली हम उसे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। दूसरी स्टेप भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तीसरे स्टेप में हम ये डिटेल डाल देते हैं, उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू सेव करते हैं इसको। तो दोस्तों वीडियो रोककर इस तरीके से सब डिटेल आप देख लीजिए। ये सब डालने के बाद आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जा रहा है तो सिंपली, तो अगर आपके पास संभल ID यानी कि वो श्रम कार्ड, वो कौन सा कार्ड, मजदूर डायरी बोलते हैं उसे, वो बना है तो आपको यस करना है, वरना आई हैव नो ID करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही सेव कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो एड्रेस वाला हमारा ऑप्शन पूरा हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी आपकी क्वालिफिकेशन वो डाल देना है, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है यदि हो तो, अगर नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। यहाँ पर मंथली इनकम और कास्ट जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड करना है, उसके बाद सेव कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यह आपका अगला ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आपको प्राइमरी ऑक्यूपेशन यानी कि जो आपका व्यवसाय है प्रारंभिक वो सिलेक्ट करना है। अगर इसकी लिस्ट देखना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, इसको खोल के आप लिस्ट देख लीजिए। तो सिंपली जब हम यहाँ पर लिस्ट के लिए क्लिक करते हैं तो हमारी कुछ इस टाइप से रिलॉट वाली एरर वगैरह कुछ आ रहा है। इसके लिए हमने यहाँ पर इन्होंने चेंज करने का कुछ यहाँ पर पॉपअप किया है। तो यहाँ पर जब क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं तो एक नई लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाती है। इसमें हम हमारा जो काम है वो देख के उसका कोड यहाँ पर डाल देना है। तो जो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, तो दोस्तों इस टाइप से इस लिस्ट में से आपके हिसाब से जो भी आप काम करते हैं वो लिस्ट में से नाम चूज कर लेना है। एंटर करने के बाद सिंपली ये सभी डिटेल इस टाइप से फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको लास्ट में बैंक अकाउंट डिटेल आपको डालना है, जिसमें आपका बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नंबर, होल्डर नाम, IFSC कोड, बैंक नाम और ब्रांच को ब्रांच नाम डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस टाइप से सभी चीज़ें सभी ऑप्शन पूरे करने के बाद हमारा जो सेल्फ फार्म है, रजिस्ट्रेशन फार्म, इस टाइप से हमारा शो हो चुका है। तो इसको केयरफुली तरीके से चेक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन का सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर इसको टिक करने के बाद सिंपली इसको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सक्सेसफुल का मैसेज यहाँ पर आ चुका है, आपका ई श्रम कार्ड डाउनलोड होने के लिए आ चुका है और मोबाइल पर आपके मैसेज भी आ जाएगा सक्सेसफुल का। तो इस टाइप से आप अपना ई श्रम कार्ड यहाँ से अपने प्रिंटर के हेल्प से डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो चुका है आपका यहाँ। साथ ही दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका ई श्रम कार्ड जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए डालें तो वो कैंसिल ना हो, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला तो आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो, साथ ही आप किसी संगठित क्षेत्र से ना जुड़े हो, यानी कि आप किसी प्रकार से संगठित क्षेत्रों से और गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना होना चाहिए, आप एक असंगठित क्षेत्र से जुड़े होना चाहिए। जब आपके पास ई श्रम कार्ड की जो लिस्ट आती है उसमें ऐसा ही ऑक्यूपेशन आपको सिलेक्ट करना है जिसमें आपका कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर संगठित क्षेत्र से ना आते हो। संगठित क्षेत्र में उसे कहते हैं जब जहाँ पर आपकी कुछ यूनियन होती है या फिर आपका कोई संगठित क्षेत्र जैसे कि किसी कंपनी में जॉब करते हैं और वहाँ पर आपका एक संगठन बना हुआ है, तो इस टाइप का आपका काम ना हो। दूसरा ये है कि यार आपको रॉन्ग डॉक्यूमेंट नहीं देना है, जो भी डॉक्यूमेंट ये मांगे तो आपको रियल और राइट डॉक्यूमेंट देना है, वो राइट आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट करना है, अन्यथा आपका जो ई श्रम कार्ड है वो कैंसिल हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, जो कि फिर वापस रिन्यूअल कभी नहीं होगा, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। तीसरा है यार डबल बेनिफिट आपको नहीं लेना है, यानी कि एक बार आपका ई श्रम कार्ड एक बार बन चुका है तो आपको डबल अप्लाई नहीं करना है। आप चाहे अपडेशन करना चाहते हैं तो उसी में अपडेशन कर सकते हैं, लेकिन यार आप डबल अप्लाई ना करें। तो ये कुछ चार पांच बातें हैं कि अगर आपका फॉर्म निरस्त ना हो तो इन चीज़ों से आप बच कर रहिए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। नमस्कार।